गुजरात में मूसलाधार बरसात से हाहाकार, अगले 2 से 3 दिन के लिए भारी बरसात का अलर्ट। वडोदरा में आज स्कूल्स रहेंगे बंद। गुजरात के राजकोट में नजर आया सैलाब का तांडव, कई इलाकों में पानी में डूब गए, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी, महादेव मंदिर भी जल भराव का शिकार हुआ। इस बीच वडोदरा में विश्वामित्री नदी के पास के इलाके डूब गए, ड्रोन वीडियो उसका सामने आया, रिहायशी इलाकों में भर गया पानी, सड़क पर जाम लगा। वडोदरा में महीसागर नदी के तट पर फंस गए लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हुआ, पिछले 30 घंटों से फंसे लोग, वायुसेना ने भेजा स्पेशल हेलीकॉप्टर। तो वही गुजरात से खबर, जहां के सुरेंद्रनगर में बरसात का कहर, 5 से ज्यादा गांव को जोड़ने वाला पुल ढह गया, बड़ा हादसा होने से टल गया। गुजरात के बोटाद में नदी में कार के बहने का एक वीडियो आया सामने, स्थानीय लोगों ने कार सवार 8 लोगों को रेस्क्यू किया। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ के हालात, तेज बरसात से सरस्वती नदी उफान पर आई, माधव राय जी की प्रतिमा हुई है जलमग्न। गुजरात के राजकोट में पानी से गिर गई बाइक, यहां पर नाले से निकालने की कोशिश में बाइक सवार नजर आ रहा। गुजरात में बाढ़ बरसात से हालात बहुत खराब हैं, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, पानी में डूबी गाड़ियां। पटना जिले में खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा नदी, डीएम ने 76 स्कूल्स को बंद करने का दिया आदेश, नदी में बाढ़ आने से बढ़ा खतरा। यूपी के मिर्जापुर में बरसात से भूस्खलन, सड़क से एक लेन पर गिरा पहाड़ का मलबा, कई घंटे बंद रहा हाईवे। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बरसात से गंगापुर बांध में बढ़ा जलस्तर, नदी के पास वाले जो तमाम इलाके उनमें बेहतर नजर आया सैलाब, मंदिर और दुकानें पानी में डूबी नजर आए। एमपी के बलरामपुर में लगातार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त, तेज बहाव में सड़क बह गई, यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित, कई गांव से संपर्क टूट गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बागो बांध से छोड़ा गया पानी, हस्तेव नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाके में अलर्ट हुआ जारी। एमपी के खंडवा में इंदिरा सागर बांध का जलस्तर बढ़ा, कई गांव में भरा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी, प्रशासन अलर्ट पर, लोगों का किया गया रेस्क्यू। आज से ओडिशा के कई इलाकों में भारी बरसात की संभावना, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, 4 दिन तक भारी बरसात की आशंका। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में जारी किया अलर्ट, एमपी राजस्थान महाराष्ट्र में अगले 2 दिन भारी बरसात का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में देर रात हुई तेज बरसात, मौसम हुआ सुहावना, लोगों को उमस से मिली निजात। छात्र पलाठी चार्ज से बीजेपी नाराज हुई, आज बीजेपी ने बुलाया 12 घंटे का बंद, शाम 6 बजे तक बंद का ऐलान हुआ, सीएम ममता के इस्तीफे की मांग उठाई गई। बीजेपी नेता अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता को बताया तानाशाह, कहा छात्रों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर पुलिस ने बर्बरता कर दी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का ममता सरकार पर हमला, बोले संवैधानिक आंदोलन को कुचला गया, जनता से हड़ताल में शामिल होने की अपील। सुकांत मजूमदार के ऐलान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का निशाना, कहा बंगाल बंद का आह्वान किया जो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, बीजेपी के बंगाल बंद पर रोक लगाने की मांग की गई है। जेपी नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी का खिलाफ किया, कहा महिला मुख्यमंत्री होकर भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं, यहां रक्षा की भक्षक बन बैठे हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट पूरा, एक बार में पूरा नहीं हो पाया था संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में एसआई अनूप दत्त का होगा पॉलीग्राफिक टेस्ट, सीबीआई को कोर्ट से मिली अनुमति, संजय रॉय का करीबी अनूप है, वारदात के बाद अनूप की बारक में किया था आराम। आज टीएमसी छात्र परिषद का स्थापना दिवस, रैली में शामिल होंगी सीएम ममता बनर्जी, कोलकाता में दोपहर 1 बजे रैली होगी। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर छात्रों का नबन्ना मार्च हुआ, पुलिस ने किया प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल। कोलकाता में नबन्ना मार्च हुआ हिंसक, कई जगह पुलिस से भिड़ गए प्रदर्शनकारी, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च हुआ, पुलिस ने छात्रों पर की पानी की बौछार, प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह तोड़ दी बैरिकेडिंग। आंसू गैस के इस्तेमाल से सड़कों पर दिखा धुएं का गुबार, मौके पर अफरा तफरी का मंजर। कोलकाता के बाबूघाट में पुलिस पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को पीट दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस परिवार, कहा कि कांग्रेस जितना विरोध करना चाहे करे, असम को नहीं बनने दूंगा मैं मियां भूमि। आरजेडी के स्पोक्सपर्सन शक्ति सिंह यादव को कहा सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पर पलटवार, कहा यह देश सबका है यहां सब रहेंगे, विकास की बात नहीं करते हेमंत बिस्व शर्मा।
शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर सियासत जारी है। आज शरद पवार गुट पुणे और सिंधु दुर्ग में करेगा प्रदर्शन। सुबह 10:30 बजे से प्रदर्शन की शुरुआत होगी। आज सिंधु दुर्ग जाएंगे बीजेपी सांसद नारायण राणे। विपक्ष पर किया पलटवार, कहा विपक्ष ने कोई काम किया नहीं है। कांग्रेस के राज में तो कितनी बिल्डिंग्स गिरी है। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने का को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया, कहा कि कल पीडब्ल्यूडी और देवी के अधिकारी करेंगे दौरा, घटना की जांच की जाएगी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नर्सिंग छात्र से रेप मामले में एसआईटी गठित, ऑटो ड्राइवर पर रेप का आरोप, आरोपी की तलाश जारी है। रत्नागिरी के नर्स रेप मामले में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, पूछताछ जारी है। महाराष्ट्र के पुणे में एक युवती की निर्मम हत्या, युवती के हाथ पैर काट दिए गए, शव को नदी में फेंका, उलामूथा नदी में तैरता मिला शव, जांच जारी है। मथुरा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान, बोले वक्फ वोट को खत्म करें, भारत के विकास के लिए धर्माचार्यों को लाइए। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का नहीं थम पा रहा आतंक, एक मासूम को बनाया शिकार, मासूम का शव मिला। यूपी के हापुड़ में एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की हुई है कोशिश, जन्माष्टमी के दिन 12 गौकशी से हिंदुओं में आक्रोश, खेत में मिले गायों के अवशेष, पुलिस जांच कर रही। अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशन के बदले गए नाम, कासिमपुर हॉल्ट का नाम हुआ जायज सिटी, जायज का नाम बदलकर हुआ गुरु गोरखनाथ धाम। रेलवे स्टेशन के नाम बदलने पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, ट्वीट कर लिखा सिर्फ नाम नहीं हालात भी बदल दें। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले अमेरिकी राजनयिकों ने श्रीनगर का किया दौरा, उमर अब्दुल्ला, हिना भट्ट समेत कई नेताओं से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई बात। यूएस के डेलीगेशन के दौरे पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी अल्तिजा मुफ्ती का बयान, बोली कि जमीनी हकीकत देखने आया डेलीगेशन। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस जारी की 32 उम्मीदवारों की सूची, गांधरबल से चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची, तीसरी लिस्ट है ये, 29 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की पहली सूची को लेकर महिला कार्यकर्ताओं में नाराजगी, कहा लिस्ट में सिर्फ एक महिला को टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन, जेजेपी उतारेगी 70 सीट पर प्रत्याशी, 20 पर लड़ेगी आजाद समाज पार्टी। हरियाणा में निर्विरोध राज्यसभा सांसद बनी किरण चौधरी, रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया सर्टिफिकेट, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू राजस्थान से हुए निर्वाचित। आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई केसेस में सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, 3 सितंबर तक बड़ी न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले में बीआरएस नेता की कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, ईडी और सीबीआई केस में 10-10 लाख के बॉन्ड पर बेल। छतरपुर पथराव कांड के आरोपी शहजाद अली को 3 दिन की पुलिस रिमांड, थाने पर पथराव के बाद हुआ था बुलडोजर एक्शन। एसपी नेता इरफान सोलंकी मामले में 18 सितंबर को की सुनवाई, हाईकोर्ट में टली सुनवाई, 7 साल की सजा के खिलाफ की थी अपील। सहारनपुर में भी मामी कार्यकर्ताओं का हंगामा, ग्राम प्रधान पर एसडीएम के नाम पर अवैध वसूली किया आरोप। राजस्थान के भीलवाड़ा में हालत का जायजा लेने निकले कलेक्टर और एसपी, सिटी कंट्रोल रूम से शुरू किया गया शहर का निरीक्षण, 24 हुड़दंगी गिरफ्तार, 7 से ज्यादा लोगों के खिलाफ चल रही थी जांच। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवैध खनन के मामले में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने खारिज अधिकारी को लगा दी फटकार, जनसुनवाई में शिकायत मिलने पर लगा दी फटकार, वीडियो हो गया वायरल। एमपी के सीहोर में कुंभ नेशनल पार्क से फिर आई दुखद खबर, नामीबियाई नर चीता पवन की मौत हुई, डूबने की जताई गई आशंका। सीजा के नाम पर धोखाधड़ी की कोशिश, शख्स से मैसेज कर कैब के लिए मांगे 500 रुपए, वायरल हो गया मैसेज, सीजा ने तुरंत दर्ज करवाई FIR। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में FAT मॉल में लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। MP के मंदसौर में टायर से भरे ट्रक में भयंकर आग लगने से हड़कंप मच गया, आसमान में धुआं हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम में चलती कार बनी आग का गोला, दौलताबाद फ्लाईओवर पर हादसा, 100 से ज्यादा ठगी के मामले को लेकर अंजाम देने वाले ठग गिरफ्तार, जबलपुर पुलिस की गिरफ्त में मुन्ना शकील और अरुण जाट। RPF के 2 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट मामले में UPS चीफ को सफलता, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के उन्नाव में अवैध प्लॉटिंग पर चला बाबा का बुलडोजर, 4 करोड़ की जमीन कराई गई खाली। मथुरा में एक ट्रक से 240 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने 2 तस्कर गिरफ्तार किए, 30 लाख रुपए बताई गई कीमत। आगरा में जन्माष्टमी के दिन जामा मस्जिद में आरती करने पहुंचा शख्स, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। म्यांमार में जॉब स्कैम में फंसे 21 भारतीयों की रिहाई, भारतीय दूतावास से दी जानकारी।
निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए जय शाह, 1 दिसंबर को संभालेंगे पद, बीसीसीआई सचिव को छोड़ना होगा पद। जी